नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी किचन चैनल और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बर्गर की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, वही बर्गर जिसे बच्चे और बड़े सभी बड़े ही चाव से खाते हैं। अगर हम खुद से ये रेसिपी घर में बनाए तो बहुत ही कम सामग्री में बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट का लुत्फ घर में ही उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहली सामग्री हमने यहाँ पे बर्गर ले लिया है दोस्तों, और ये बर्गर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ से आप पनीर वगैरह खरीदते हो वहाँ पे ये मिल जाता है बिल्कुल आसानी से, या किसी जनरल स्टोर में भी मिल जाएगा आपको। साथ ही बर्गर बनाने के लिए तो हमें टिक्की चाहिए ही होगा। तो सबसे पहले आप टिक्की की सामग्री यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 5 बॉयल किया हुआ आलू लिया हमने और इसका छिलका छिल करके रख लिया है, साथ ही इसे अप्लाई कर दिया है एक बाउल में। और बाउल में अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक हरी मिर्च लिया है, उसको बारीक काट लिया है, उसको भी डाल दिया। साथ ही 10 ग्राम धनिया पत्ता लिया था हमने, धनिया पत्ता को भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद नमक यहाँ पे 2 टाइप का डाला है, एक तो सादा नमक और दूसरा काला नमक। दोनों की क्वांटिटी आप जितनी हमारे पास आलू है उस हिसाब से रखिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डाल देंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद थोड़ा सा 1/4 चम्मच यहाँ पे काली मिर्च पाउडर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डाल देंगे हम 1/2 नींबू, और इस नींबू से स्टिक्की का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे हमने 1/2 नींबू इसमें डाल दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा क्रिस्पीनेस चाहिए ना, क्रिस्पीनेस के लिए यहाँ पे हमने डाल दिया है चावल का आटा थोड़ा सा। और चावल का आटा डालने के बाद आपको तो पता ही है, अभी से यहाँ पे आप मैसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो हाथ को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करके, हाथों से क्या होता है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये जो आलू का गुठली नहीं होता, लम्स नहीं होता कोई, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मैश हो जाता है। अब हम इसे मैश करके बिल्कुल आटे की तरह मतलब एक चोखा के पॉट में रख लेना है, और इसे जो है सो रेस्ट करने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट रेस्ट करने के बाद हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे बिल्कुल टिक्की का शेप जैसा होता है ना उसी शेप में हमें बनाने हैं। यहाँ पे आप चाहें तो किसी सरफेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो हाथों पे भी राउंड करके टिक्की का शेप हम इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट का इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सा ये साइड से फट जाए तो कोई बात नहीं, बाद में उसे आप ठीक कर लीजिए। और ये देखिए एक टिक्की बन के रेडी हो चुका है हमारा। इसी टाइप से हम दूसरा भी बना लेंगे। यहाँ पे 4 बर्गर हमारे पास है तो करीब करीब 4 टिक्की हम बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से आप चाहे तो हाथों पे, जैसा कि मैंने बोला था, हाथों पे भी राउंड कर सकते हैं इसको, और थोड़ा सा साइड से ये फटे तो कोई बात नहीं, आप उसे ठीक कर लीजिए। और यहाँ पे टिक्की का जो मोटाई है वो ज़्यादा नहीं रखा हमने, जैसे आप बर्गर किंग वगैरह से लाते हो और जो टिक्की का शेप होता है वही शेप देने का प्रयास किया हमने यहाँ पे। और टिक्की का जो साइज हमने रखा है इस टाइप का रखा है ताकि ये पूरे बर्गर को कवर कर सके, मतलब पूरे बर्गर में आ जाए। ये देखिए सेम प्रोसेस से यहाँ पे 4 टिक्की हमें बना करके रख लेना है। थोड़ा सा साइड में फटता है बट कोई बात नहीं, बाद में वो ठीक हो जाता है। और दोस्तों किसी भी बर्गर को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसकी टिक्की टिक्की ही तो होती है, और क्या होता है, थोड़ा सा प्याज वगैरह वो तो अलग चीज हो गई, थोड़ा सा मेयोनीज का भी टेस्ट होता है, बट सबसे मेन चीज बर्गर का टिक्की ही होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 4 बर्गर की टिक्की बना करके रख लिया है। और एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जैसा कि पहले बर्गर के शेप का टिक्की, मतलब जितने प्याज में हमारा बर्गर है उसी प्याज में आप टिक्की को भी बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं टिक्की फ्राई करने के लिए। सबसे पहले फ्राई पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, साथ ही हमने डाल दिया इसमें तेल। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा तेल डालें तो अच्छे से टिक्की फ्राई होगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा कम तेल का ही इस्तेमाल किया है, आपको जो सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको एक साइड पकने देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जब दूसरा साइड थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तभी हमें इसे पलट लेना है। इसी टाइप से पलट पलट कर दोनों साइड बिल्कुल अच्छे, यहाँ पे आपको मैं बता देना थोड़ा अगर तेल ज़्यादा क्वांटिटी में होता तो ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से और भी सिकता। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे रखिए ताकि टिक्की हमारी बिल्कुल अंदर तक सिके। ये देखिए मैंने कितना तेल डाला था, सारा तेल एब्जॉर्ब कर चुका है क्योंकि हमने इसमें चावल का जो आटा डाला है ना
वो थोड़े से तेल तेल को एब्जॉर्ब करता है। तो अब देखिए हम थोड़ा सा घुमा घुमा करके इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिस साइड ना सिका है उस साइड भी हम सेक लेंगे इसको पलट पलट कर। ये देखिए थोड़ा सा पलट देंगे इसे, और ये ऊपर से ना जब ये हम इसमें चावल का आटा डालें तो ये टिक्की हमारी बिल्कुल क्रिस्पी और सॉफ्ट टाइप की होती है। जब आप इसे खाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट टाइप का टेस्ट देता है ये। ये देखिए थोड़ा सा पलट पलट करके हमें, थोड़ा सा अगर आपको लगे कोई साइड कच्चा है थोड़ा सा पलट देंगे और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसे पका लेंगे। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इस टिक्की को निकाल करके अलग प्लेट में रख लेना है हमें। तो हमारी बर्गर की टिक्की दोस्तों बनके रेडी हो चुकी है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। ये देखिए हमारा बर्गर भी रेडी है बनने के लिए। अब सेम फ्राई पैन से हमने तेल को हटा दिया है, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बटर। और बटर डालने के बाद जो हमारा बर्गर है उसको बीच से बिल्कुल दो पार्ट में कर लीजिए आप, और उसका अंदर का जो पार्ट होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे सेक लेना है हमें, थोड़ा सा करारी टाइप से बटर लगा के सेक लेंगे तो इसका भी फ्लेवर बिल्कुल ही अच्छा और उम्दा किस्म का आता है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा आप यहाँ पे टाइम दीजिए, और यहाँ पे भी गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखना है ताकि हमारा बर्गर जले नहीं, थोड़ा सा बस इसे अंदर से सेकना है। ये देखिए घुमा घुमा के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये देखिए बिल्कुल यहीं तक, आपको ज़्यादा अंदर से चलाना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, सेक लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक प्लेट ले लिया हमने, और प्लेट में जो बर्गर का नीचे का हिस्सा है वो दोनों रख दिया हमने यहाँ पे। और दोस्तों ये मैं बता देना, यहाँ पिज्जा टॉपिंग में डाल रहा हूँ, और आप चाहें तो म्यूनिस भी डाल सकते हैं। तो मैं दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो इसे अमेजन से परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने पिज्जा टॉपिंग डाला है, आप चाहें तो म्यूनिस की टॉपिंग भी आती है बर्गर के लिए, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, मुझे पिज्जा टॉपिंग पसंद था इसलिए मैंने पिज्जा टॉपिंग डाला है, अगर आपको म्यूनिस पसंद है तो आप म्यूनिस भी ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ हाँ, यहाँ पे आप चाहें तो बर्गर के दोनों साइड में इसे टॉपिंग कर सकते हैं, अगर आपको नहीं तो एक साइड भी चलेगा, या एक साइड आप पिज्जा और टॉपिंग कर दीजिए और दूसरी साइड मेयोनीज कर दीजिए, दोनों का फ्लेवर मिक्स होकर के बहुत ही अच्छा आता है। मैं दोनों का लिंक जैसा कि बता चुका हूँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे हमने टॉपिंग कर दिया, आप इसके ऊपर डाल देंगे यहाँ पे पनीर। पनीर को बिल्कुल पतले शेप में काटना है यहाँ पे, और जितना हमारी कोशिश रहेगी पूरा सरफेस को ये कवर कर ले। ये देखिए दो दो टुकड़ा हमने यहाँ पे पनीर का डाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्याज और टमाटर को स्लाइसेस में हमने काट लिया है, और इसके रिंग को बर्गर के ऊपर डालेंगे हम। और ये देखिए हमने पूरे पूरे बर्गर को कवर करने, जैसे तीन में पूरा बर्गर कवर हो रहा है तो मैंने यहाँ पे तीन डाले हैं ताकि पूरा बर्गर ये कवर हो जाए। इसके साथ ही सेम प्रोसेस से हमें टमाटर को भी इसी टाइप से डाल देंगे और पूरे बर्गर को कवर कर लेना है। आप देख रहे होंगे रिंग में प्याज टमाटर हमने पहले से काट के रख लिया था यहाँ पे, और ये देखिए इसके ऊपर अब डाल देंगे हमारी टिक्की, तो बनके रेडी है। इसके ऊपर अब टिक्की ऐड कर देंगे दोस्तों, और टिक्की डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे पनीर का थोड़ा सा टुकड़ा घिस करके अगर इसके ऊपर रख देते हैं तो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है ये। ये देखिए दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट टाइप का। और इसको थोड़ा सा फैला देंगे हम पूरे बर्गर पूरे टिक्की पे। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमारा जो है बर्गर बनके रेडी हो चुका है। इसके ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पे चाहे तो आप म्यूनिस की टॉपिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, अच्छा ही टेस्ट आएगा उससे। और इसको हमने कवर कर दिया, तो दोस्तों आपने देखा कि बिल्कुल टेस्टी टाइप का बर्गर हमारा बन करके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आप अगर कुछ खाने का मन कर रहा है तो हम घर में ही बिल्कुल बहुत कम सामग्री और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम अगर कुछ में लग रहा है तो टिक्की बनाने में, तो आलू सिट्टी लगाएंगे और टिक्की का भी प्रोसेस फटाफट ही हो जाता है, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो हम घर में भी बिल्कुल टेस्टी बर्गर किंग टाइप का बर्गर बना के खा सकते हैं।
तो दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही देसी किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई टेस्ट के साथ, नए जायका के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।